नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मोदक गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए हम मोदक गणेश चतुर्थी के 10 दिनों तक बनाते हैं। मोदक कई चीज़ों से बनाया जाता है और उनमें से एक है मावा मोदक। यह मोदक बनाने में बहुत आसान है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मावा मोदक बनाने के लिए एक पैन में 2 टीस्पून घी डाल दीजिए। फिर घी डालने के बाद डाल देंगे 1 कप दूध। दूध यहाँ आपको गर्म करके ठंडा कर लेना है, फिर ही आपको यूज़ करना है। अब यहाँ दूध मैंने पैन में डाल दिया है और अच्छे से स्टर करते हुए मिक्स कर लेना है। गैस को आपने एकदम धीमी आंच पर रखना है और चलाते हुए मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिलाने के बाद आपको 2 कप मिल्क पाउडर डाल देना है। मिल्क पाउडर आप कौन से भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्वीटेंड मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अनस्वीटेंड मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो हल्का सा चीनी डाल दीजिए। अब मिल्क पाउडर को विस्कर की मदद से धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। यहाँ आपको गैस को एकदम धीमा रखना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, एक भी लम्स नहीं रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि जब मिल्क पाउडर अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा ना, मिक्स हो जाएगा ना, तब हम 1 टीस्पून घी डाल देंगे। तो मैं यहाँ 1 टीस्पून घी डाल देती हूँ। घी जो है वो मावा को ड्राई होने में और चिपचिपा नहीं होने में मदद करेगा। घी डालने के बाद गैस को आपने हाई फ्लेम कर देना है और लगातार स्टर करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स कर लेना है। ये जो मावा है ना, वो तुरंत ही ड्राई होने लगेगा। तो आपने लगातार स्टर करते रहे, ये देखिए। लेकिन आपको लगातार चलाते रहना है। अगर आप इस मावा को ऐसे ही छोड़ दिया ना, तब ये नीचे से जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सूखना भी शुरू हो गया है। जब ये इस टेक्सचर में आ जाए ना, तब गैस को मीडियम ही रखना है। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा घी डाल के चारों तरफ से पोंछ कर एक साथ मिला दें और स्टर करते रहे मीडियम फ्लेम पर। जब मावा इस टेक्सचर तक पक जाए, तब गैस को आपने बंद कर देना है। अब इस मावा को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को ऐसे प्लेट में स्प्रेड कर देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब हम मोदक बना लेंगे। मोदक बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे और फिर इलायची पाउडर को हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपका मिक्सचर चिपक रहा है तो आप हल्का सा घी डाल दें। अब हम मिक्सचर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। आप जैसे मिक्स करते जाओगे ना, ये थोड़ा सा स्टफ़ हो जाएगा। इस मिक्सचर से आप कोई भी मिठाई बना सकते हैं या नॉर्मल कोई भी मिठाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैंने यहाँ अच्छे से मिला लिया है। अब मोदक बनाना शुरू करते हैं। अगर आप चाहे तो बिना मोदक मोल्ड के बनाएं, या आपके पास मोदक मोल्ड है तो मोल्ड को ऐसे घी से ग्रीस कर लीजिए और ऐसे मिक्सचर को लेकर मोदक मोल्ड में डाल दीजिए और मोदक का शेप दे दीजिए। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप हाथों से भी बना सकते हैं, या जैसे मोमोज का शेप होता है ना, वैसे भी बना सकते हैं, या आप इस मिक्सचर से पेड़ा भी बना सकते हैं या लड्डू भी। आज हम मोदक बना रहे हैं तो हम मोदक का शेप दे देंगे। मलाई पेड़ा जो होता है ना, वो ऐसे ही बनाते हैं इसी मिक्सचर से। अब जो मोल्ड्स के साइड में एक्स्ट्रा मिक्सचर था ना, वो मैं निकाल देती हूँ। और ये देखिए, हमारा जो मोदक है वो बनकर तैयार है। इसी तरह से मैं आपको एक और एक बनाकर दिखाती हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, आप अपने घर में दुकान से भी अच्छा बना सकते हैं, कम खर्चे में और सिंपल तरीके से। और यह हमारा दूसरा भी मोदक बनकर तैयार है। आप इस मोदक को प्रसाद के तौर पे भी चढ़ा सकते हैं, या आप इस मोदक को ऐसे भी खा सकते हैं। आपको और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।